दिवाळीत ध्वनी आणि वायू प्रदूषण पातळी वाढण्याची शक्यता आहे। दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर आली आहे। कोरोना काळात मुंबईमधील ध्वनी आणि वायू प्रदूषण पातळी सुधारली होती, मात्र दिवाळीत पुन्हा हे प्रदूषण वाढण्याची शक्यता आहे। यामुळे बाजारात सध्या उपलब्ध असलेल्या फटाक्यांच्या आवाजाची पातळी तपासणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि आवाज फाउंडेशनने केली। यावेळी बाजारातील सामान्य फटाके आणि ग्रीन फटाके असे 29 फटाक्यांच्या फोडल्यानंतर आवाजांची पातळी डीबी मीटरने तपासण्यात आली आणि यात फक्त 2 फटाके वगळता इतर फटाक्यांची पातळी समाधानकारक आढळली आहे। उत्साहात फटाके न वाजवता प्रदूषणमुक्त दीपावली साजरी केली जावी याकरिता गेल्या काही वर्षापासून व्यापक जनजागृती केली जात आहे। त्याचा दृश्य परिणाम दिसू लागला असून दरवर्षी फटाके वाजवण्याच्या प्रमाणात घट दिसून येत आहे। यंदाच्या वर्षी तपासण्यात आलेल्या फटाके हे बऱ्यापैकी नियमात दिसून आले आहेत। ज्या फटाक्यांचे नियम पाळणे नाही तर त्याबाबत कारवाई करण्यात येणार असल्याचं यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी आणि आवाज फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले। आपण पडणार आहे मॅडम मजा आपको पता है कि महाराष्ट्र का मॉनिटरिंग नेटवर्क सबसे तगड़ा है, स्ट्रांग है। आज हमारे पास 101 मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशंस है, जो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशंस है। और जो 24/7 स्टेशंस है, आज की तारीख में हमारे पास 23 स्टेशंस है पूरे शहर में, और मुझे लगता है कि नवंबर एंड तक उसकी मात्रा 70 हो जाएगी। अभी 47 जो है वो अभी सिविल वर्क चालू है, कमीशनिंग के स्टेज पर है। तो आपको पूरे महाराष्ट्र की आपको ऐप पे 24/7 आज की हवा गुणवत्ता क्या है वो दिखाई पड़ेगी। उसके अलावा हम अभी 15 मोबाइल वैन्स लिए हैं, वो आज इधर प्रदूषण हुआ है तो वो मोबाइल वैन्स 24/7 वहाँ जा सकती है। तो वो भी एक महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जो हमने 2000 साल में किया था उसका अपग्रेडेशन करके अभी वो मोबाइल वैन्स अभी उसका टेंडरिंग हुआ है, अभी हम तुरंत हमें उसका देंगे। तो सभी का यानी आपके मोबाइल पे ऐप पे सब रहेगा कि आज RCF की एयर क्वालिटी क्या है वो आपको दिखाई पड़ा। ये एक जन जागृति का एक है, उसकी एक इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट नियरली 1.5 करोड़ रुपए रहती है। तो ऐसा एक स्टेट ऑफ आर्ट एनालाइजर सिस्टम हमने लाया है, अभी सब जगह मुंबई में 14 जगह पे लगाया है।